आप कहाँ से आए हो? क्या महत्व है यहाँ पे आने का? मैं शिप्रा पाठक हूँ। मैं उत्तर प्रदेश बदायूं से आई हूँ और हमारी पदयात्राएं जो लगभग 11,000 किलोमीटर पूरी हो गई हैं, इनका लक्ष्य है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें, नदियों को स्वच्छ रखें, जंगल को उजड़ने ना दें और पहाड़ों को दरकने ना दें। और इसी उपलक्ष्य में हमने अब तक 25 लाख पौधे पंचतत्व संस्था के माध्यम से 7 नदियों के किनारे लगाए हैं। लोगों से क्या अपील करते हैं? प्रति व्यक्ति हर आदमी प्रतिदिन उतना ही जल व्यय करे जितना आवश्यक है। जब ये सोच रहेगी तभी क्रांतिकारी निष्कर्ष हमारे सामने निकल के आएंगे। बात की जाए तो कौन कौन से राज्यों में आप जा चुके हो? कितने राज्य पूरे कर चुके हैं? प्रवास तो हमारा 20 से 22 राज्यों में हुआ है और पदयात्राओं के दौरान लगभग 11 राज्यों से हमारी पदयात्राएं निकली हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य काम है वो अभी 5 राज्यों में ही प्रारंभ हुआ है। और इसी उपलक्ष्य में हम पंजाब पहुंचे हैं ताकि कैंसर जैसी बीमारी जिससे पंजाब कहीं ना कहीं त्रस्त हो रहा है, मुझे लगता है जल को शुद्ध करते ही इस बीमारी को दूर किया जा सकता है और जल की शुद्धि पर हम पंजाब में काम करना आरम्भ कर रहे हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी? कहाँ कहाँ जाओगे आप? हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें शब्द रणनीति तो नहीं रहेगी, उसमें तो साधना ही है। और हम सबसे निवेदन करते हुए चल रहे हैं कि अपने अपने हिस्से का जल बचाएं।